News 18 India। नंबर घटकर 238 तक पहुंच सकता है, 238 तक पहुंच सकता है, 237 पहुंचता है तो फिर हाफवे मार्क भी गिरकर 122 से गिर जाएगा, 122 से गिरकर 119 पहुंच जाएगा। पर अब महेश्वर चौधरी जी डिप्टी स्पीकर ना पक्ष की गणना करा रहे हैं और उनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि हां पक्ष के हाथ में मत है। फाइनल गणना के बाद क्या दिखता है बताया जाएगा। अब ये सब ना पक्ष के विधायक हैं जो खड़े हैं। शांति शांति। वहां सदन में कुछ विधायकों के बीच में कहासुनी चल रही है, बातचीत चल रही है, शांति बनाए रखने की आग्रह करते हुए डिप्टी स्पीकर महेश्वर चौधरी। ये सब अधिकांश आरजेडी और सीपीएम के विधायक आपको दिख रहे हैं जो ना पक्ष से हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है। ये स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अवध बिहारी जो स्पीकर हैं वो अभी तक वो मंच से हट गए थे। वहां तेजस्वी यादव किसी से बातचीत करते हुए कुछ हास परिहास भी चल रहा है। पर ऑब्जर्वर आप देख सकते हैं काले कोट में, वहां हाफ जैकेट में भूरे रंग के, और एक नीले कोट में ऑब्जर्वर हैं जो गणना कर रहे हैं। सबकी गणना को टैली किया जाएगा, फिर मंच पर आसीन डिप्टी स्पीकर को दिया जाएगा, वो हां पक्ष और ना पक्ष दोनों की गणना करेंगे और फिर घोषणा करेंगे कि ये डिवीजन ऑफ वोट्स, ये मत जो ध्वनि मत से हां पक्ष ने जीता था, गणना में किसको कितने मिले हैं। इस वक्त सदन को देखते हुए और मंच पर और जो पिक्चर्स जो तस्वीरें आ रही हैं आप भी देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष और हां पक्ष के का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये घोषणा अब होगी। आइए सुनते हैं डिप्टी स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं। देखिए फाइनल नंबर लिख रहे हैं, खुद कलम से लिख रहे हैं, लिख कर फिर इसको पढ़कर सुनाएंगे कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास मत जीत गया या हार गया, हां पक्ष के फेवर में नंबर है या ना पक्ष के फेवर में नंबर है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप कृपया बैठ जाएं, आप लोग कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ, अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। अब गेट खोल दिया जाए। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव ठहरा, सत्ता पक्ष को 125 वोट मिले हैं, विपक्ष को या ना पक्ष को 112। तो कहीं ना कहीं कुछ विधायक आरजेडी के पाले से भी घटे हैं और कुछ विधायक जेडीयू बीजेपी के पाले से भी घटे हैं, पर 122 का आंकड़ा पार हो गया। सदन के अंदर उपस्थिति जो नंबर थी वो अगर 243 से कम है तो हाफवे मार्क भी नीचे आएगा, करीब 119-120 का। कृपया सभी माननीय सदस्य आग्रह के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ विधायकों को वोट करने से रोका गया है तो उनके वोट को नहीं गिना जाएगा और इसकी वजह से सत्ता के अंदर और सदन के अंदर जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो भी घट जाएगी, जिसकी वजह से हाफवे नंबर भी घटता है। पर चाहे हाफवे नंबर 122 हो या उससे कम, 125 मतों से हा पक्ष तो जीत गया। वर्तमान मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर विमर्श होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी,